आपको क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. क्या दिया है? 48x² - 13x - 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना. दैट इज योर, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमको पता है. क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0. नाउ तो ए बी एंड सी हमारे क्या है? कोएफिशिएंट्स, एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट्स, है ना. तो हमको पहले क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई ए इंटू सी, ए इंटू सी, एंड वी शुड गेट बी एज एन आंसर. ठीक है ना. तो ए आपका क्या है यहां पर? 48. तो 48 एंड कॉन्स्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या आ गया? 48 इंटू 1 इज 48. 48 आ गया. नाउ अब 48 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग. तो 48 के नॉर्मल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हम लिख लेते हैं. तो फर्स्ट आपका होता है 1 × 48, सेकेंड 2 × 24, थर्ड आपका होता है 3 × 116, है ना, एंड नेक्स्ट आपका है 4 × 12. 5 से जा रहा है? नहीं जा रहा है. 6 × 8, 6 × 8, है ना. और किसी से जा रहा है ये? नहीं ना. अब आपको करना क्या है? आपका वैल्यू आना चाहिए 13. ठीक है ना. 6 × 8 है 48. और किसी में जा रहा है? 7 से नहीं, 8 से, 9 से नहीं, नहीं, बस इतने से जा रहा है. ठीक है ना. तो इसी में हम देखते हैं क्या आता है हमारा ना. तो अब आपका आंसर आना चाहिए -13, क्योंकि दैट इज इक्वल टू बी, -13. तो आपका 1 और 48 से -13 नहीं आ सकता. प्लस माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस अगर साइन लगा के करेंगे तो यू विल नॉट गेट -13. नाउ 2 और 24 से आ सकता है? नो. नेक्स्ट 3 और 16 है, 13 आना चाहिए. तो हां आ सकता है. कैसे? +3 - 16, +3 - 16 से हमारा -13 आ रहा है. और दूसरे चक्कर देखो, 4 और 12 में आ रहा है? नहीं आ रहा है. 6 और 8 में आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो ये 2 से नहीं आएगा एंड सिर्फ इसी से आएगा. तो हम इसको लिखते हैं यहां पर. ठीक है ना. तो आपका देखो कैसे आ जाएगा, 48x² + 3x - 16x - 1 दैट इज इक्वल टू 0, है ना. मिडिल टर्म में हमने लिख दिया 3x - 16, ये वाला ना. अब ये दोनों में कॉमन क्या है? 3x इज कॉमन. तो हमने लिख दिया 3x इज कॉमन. तो आपका क्या बचा यहां पर? 16x + 1. और ये दोनों में कॉमन क्या है आपका? -1 इज कॉमन. तो -1 इज कॉमन. तो आपका क्या आ गया? 16x + 1 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है नाउ. एक बार ब्रैकेट का लेंगे, एक बार बाहर का लेंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा? 16x + 1 एंड 3x - 1 दैट इज इक्वल टू 0. नाउ सेपरेट सेपरेट हम इसको 0 करेंगे. तो आपका क्या आएगा? 16x + 1 इज इक्वल टू 0 और ये वाला क्या आ जाएगा? 3x - 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है नाउ. अब +1 को राइट में लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा? -1. तो आपका आ गया 16x = -1. तो x = -1/16. इसको वैसे ही करते हैं, -1 को राइट में लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा? +1.
तो आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, तो x क्या हो गया आपका 1/3। तो ये दो आपके सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है।